तो ऐसे ही मोदाद्रुम द्वीप है नवद्वीप में, वहाँ पर श्री रामचंद्र जी आए वनवास के समय में। तो भक्तिनो ठाकुर बताते हैं नवद्वीप भाव तरंग में ये जो स्थान है यहाँ पे बड़े सारे पक्षी हैं, और ये जो पक्षी हैं हमेशा श्री गौरचंद्र का और सीताराम का नाम लेते रहते हैं। गोरा गोरा गोर हरी, जय सीताराम जय जय सीताराम। गोरा गोरा गोर हरी, जय सीताराम। गोरा गोरा गोर हरी, जय सीताराम जय जय सीताराम। तो रामचंद्र जी एक जगह बैठते हैं एक पेड़ के नीचे, और सीता मैया और लक्ष्मण जी भी बैठते हैं। फिर एकदम से रामचंद्र जी हंसने लग जाते हैं, उनके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान है। सीता मैया पूछती हैं, व्हाई आर यू सो स्माइलिंग, इतना हंस क्यों रहे हैं आप? तो रामचंद्र जी बोलते हैं कि अभी कलयुग आने वाला है, और इसी स्थान पर इसी नवद्वीप में मैं गोल्डन फॉर्म में आऊँगा, गौरंग रूप में आऊँगा। शची माता मेरी मैया होंगी और जगन्नाथ मिश्र मेरे पिता होंगे, और मैं यहाँ पर बहुत सारी बाल लीलाएं करूँगा, गंगा में बहुत सारी क्रीड़ाएं करूँगा, और सबको हरि नाम बांटूंगा, और बाद में जाकर मैं सन्यास भी लूँगा। तो ये सन्यास वर्ड सुनते ही सीता मैया पूछती हैं, बोले फिर शादी क्यों करोगे आप मुझसे? जब सन्यास ही लेना है तो पहले ले लीजिए, आप मुझे अपनी लीलाओं में बुलाओगे भी, मेरे साथ विवाह भी रचाओगे और मुझे छोड़ भी दोगे। फिर भगवान रामचंद्र जी बताते हैं कि हाँ, जब मैं गौरंग महाप्रभु के रूप में आऊँगा तो मेरे जो भक्त हैं वो दो प्रकार से मेरे साथ संबंध बनाते हैं, एक होता है संभोग और दूसरा विप्रलंबन, जिस प्रकार से प्रेम का आदान प्रदान होगा। तो अभी इस लीला में आप मुझे छोड़ के चली जाएंगी, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं आपकी पूजा करता रहूँगा आपका एक गोल्डन विग्रह के रूप में, एक स्वर्णिम आपका एक विग्रह बनाऊँगा और आपकी पूजा आपका स्मरण हमेशा ही मैं करता रहूँगा, मगर अगले बार मैं आपको छोड़ के चला जाऊँगा और फिर आप उसी प्रकार मेरी सेवा करेंगे एक गोल्डन विग्रह के फॉर्म में। तो ऐसे ही हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु चले गए संन्यास लेकर, तो विष्णुप्रिया जी जो सीता मैया ही हैं उन्होंने एक विग्रह बनाया, इवन चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं वो विग्रह दिया था धामेश्वर महाप्रभु नाम से, अभी भी वो विग्रह है, अब नवद्वीप में जाएंगे उसका दर्शन होगा। तो प्रतिदिन विष्णुप्रिया उन विग्रहों का दर्शन करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती थी, और बताते हैं कि केवल उतने ही दाने खाती थी जितनी मालाएं उन्होंने जप करी है। तो मान लीजिए रात तक 108 माला हुई तो केवल 108 दाने चावल ही वो ग्रहण करती थी। इस प्रकार दोनों भावों में, संभोग में भी और विप्रलंब में भी आप मेरी सेवा कर पाएंगे। तो यह मोदाद्रुम द्वीप, मोद मतलब प्लेजर और द्रुम मतलब ट्री, तो उस पेड़ के नीचे बैठकर ये लीला सुना रहे हैं श्री रामचंद्र जी, और सीता मैया और लक्ष्मण को बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है।